हेलो बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आम के नवरत्न बनाने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, ये दो आम है। आप लोग के फरमाइश पर मैं ये नवरत्न बना रही हूँ। मेरी अम्मी का ये रेसिपी है। ये दो आम है और ये बादाम, दो चार काट कटा हुआ, जितना आम के हिसाब से आप इसका मेजिंग डाल सकते हैं। ये काजू है, पिस्ता, चिरौंजी, खरबूजे के बीज और ये 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक आधा चम्मच, और ये 250 ग्राम आम है तो 250 ग्राम चीनी, सब मिला के 9 चीज़ हो गया। आम को आप कद्दूकस कर लें, छोटा छोटा एकदम कद्दूकस में ऐसे रगड़ लें। अब ये देखिए, इस तरह से आम को कद्दूकस कर लीजिए। ये देखिए मैं कर ली हूँ। अब एक भगोना आप ले लें, ये भगोना देखिए, इसमें मैं घी डाल ली हूँ 1 चम्मच। उसमें सबसे पहले आप दो छोटी छोटी दो हरी वाली इलायची जो है आप डाल लीजिए। इसमें मेरा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें दो इलायची डाल दे रही हूँ हरी वाली। ये इलायची हो जाए, इलायची हो गया। अब इसमें आप आम डाल लीजिए, आम कद्दूकस किया हुआ आम, इसको डाल कर थोड़ा सा हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये अब भुजा गया। अब इसमें आप डायरेक्ट चीनी डाल दीजिए। ये 250 ग्राम आम था, 250 ग्राम चीनी भी है इसमें, इसको भी डाल दीजिए। ये मैं चीनी डाल दी हूँ, एकदम आँच को एकदम धीमा कर दीजिए सिम पर गैस को, और इसको थोड़ा सा ढक्कन से आप ढक दें। ये देखिए इस तरह से आपको पकाना है। ये पक गया। आम का भी फ़र्क होता है, बहुत आम जो है ना, कुछ कुछ आम खट्टा भी मिलता है और कुछ कम खट्टा मिलता है, उस हिसाब से इसमें चीनी डालना होता है। तो हर जगह का आम अलग अलग होता है, कई पेड़ों का आम अलग अलग होता है। अब आप इसमें ये जो मेवा है सब, ये सब नमक मिर्ची और ये मेवा सारा आप इसमें अब डाल दें, डालकर ये नवरत्न आपका ये तैयार हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से थोड़ा सा और पका लीजिए, और पक दे। नवरत्न अचार अब तैयार हो गया। अब गैस आप बंद कर दीजिए। ये एकदम एकदम कंप्लीट हो गया, ये नवरत्न अचार तैयार हो गया। अब ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।